भगवान के गोप कुमारों ने निश्चय किया कि हमारे पिताजी सारे बड़े बड़े जो गोप हैं वह तो गाय चराते हैं, तो पिता का व्यापार बच्चे को सीखना चाहिए बचपन से ही। तो जैसे कोई बड़े बड़े व्यापारी हैं वह अपने बच्चे को शुरू से दुकान ले जाते हैं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो शुरू से ही बच्चों को कुछ ना कुछ कंप्यूटर में सिखाता है। तो इसी तरह बड़े बड़े गोपों ने भी निश्चय किया ठीक है गाय तो बड़ी हो जाएंगी, इनको हम वत्सों को पालने के लिए देते हैं, बछड़ों को पालने के लिए देते हैं। तो नंद भवन की प्रॉक्सिमिटी में उधर ही उनके आसपास के क्षेत्र में ही वत्सों को चराने कृष्ण को जिम्मेदारी दी। उस दिन से कृष्ण वत्सपाल बन गए और उन बछड़ों को ले जा करके चराया करते। कंस ने एक और दानव को भेजा, वह दानव यह बछड़ों के बीच में छुप गया, एक बछड़ा बन गया और बछड़ों के बीच में आ करके आतंक मचाने लगा और कृष्ण को मारने का प्रयास किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं यह बछड़ा यह वत्सासुर किस अनर्थ का सूचक है, यह पाखंड का सूचक है, हिपोक्रेसी मिथ्याचार। हम बाहर से कुछ और दिखाते हैं अंदर से कुछ और यह पाखंड के चलते कृष्ण भक्ति लाभ नहीं कर पाते। कृष्ण सब कुछ सहन करते हैं, पाखंड मिथ्याचार को सहन नहीं करते। और कृष्ण यह भी बोलते हैं यदि तुम चीटर हो तो हम सबसे बड़े चीटर हैं, तुम पाखंडी बनोगे हम सबसे बड़ा पाखंड करना जानते हैं। एक बार एक घर में कुछ मेहमान आए, अब इतने भयंकर मेहमान कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो पति पत्नी ने डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने बोला अरे इतना अच्छा अच्छा खिलाओगे तीन टाइम तो मेहमान थोड़ी जाएगा, तो यहीं रहेगा, तो एक काम करो शाम को कुछ बनाओ ही मत। तो पति बोला कैसे नहीं बनाएंगे, अगर मेहमान को पता पड़ जाएगा हमने बनाया नहीं वो तो समझ जाएगा हमको भगाने के लिए बोल रहे हैं। तो पत्नी ने बोला एक काम करते अपन लड़ाई करते हैं। बोले इतने साल में तो कभी लड़ाई की नहीं, बोले लड़ाई की एक्टिंग करने में क्या जा रहा है। तो दोनों लड़ाई करने लगे, वो बेलन फेंक के मारने लगी या कुछ सामान, सब रोने लगी, सब उठपटांग लड़ाई है, बाहर तक आवाज चिल्ला चिल्ला के सुना रहे। अब अतिथि ने सोचा ये तो भयंकर घमासान युद्ध हो गया, और रोते रोते वो माता बोलती है कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी, खाना भी नहीं पकाऊंगी। ठीक है भाई, यह सुन के अतिथि ने अपना झोला झाला उठाया और जाने लगा। जाते जाते पति तो बड़ा खुश हो गया, बोले चला गया, हम रो क्यों रही हो। बोले हम थोड़ी रो रहे हैं, हम तो झूठा रो रहे थे। तो पति बोले हाँ हम भी थोड़ी डांट रहे थे, हम तो झूठा ही डांट रहे थे। इतने में झोला लेके वो वापस आया, तो इन दोनों ने बोला वापस क्या, हम थोड़ी गए थे, हम तो झूठा ही गए थे। उसी प्रकार से आप कृष्ण को धोखा देने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण उसमें बहुत एक्सपर्ट है। पूतना धोखा देने तो आई थी, कृष्ण ने उल्टा धोखा दे दिया, कृष्ण भक्ति दे दी। बड़े बड़े सब आते हैं कृष्ण के पास दूसरे विचार से। हम गीता में भी पढ़ते हैं अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, आते हैं अलग अलग विचार से, लेकिन कृष्ण उन्हें धोखा दे करके अपनी शरण में ले आते हैं। यह कृष्ण का विशेष प्रेम है। मैं एक कथा सुन रहा था दक्षिण भारत की, एक अंग्रेज अफसर था 1882 में, और 1882 में ये अंग्रेज अफसर को पौंडीचेरी और मद्रास के बीच में एक एक इलाके का कलेक्टर बनाया गया। अब उस इलाके में एक समस्या थी कि एक बड़ी झील थी और इस झील से बहुत पानी बहता था, गर्मियों के समय आगे के गांवों को पानी मिल सके इसलिए उस झील पे बांध बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वह बांध जब भी बनाते बारिश के मौसम में टूट जाता। अब इस ब्रिटिश अफसर को यह संकल्प देकर के सरकार ने भेजा था कि यदि आप इस पे पुल बना देंगे बांध बना देंगे तो आपको हम कलेक्टर रखेंगे, नहीं तो हम दोबारा से हटा देंगे। इसके लिए बड़ी चुनौती थी, कई इंजीनियरों ने पहले प्रयास कर चुका था। तो यह वह साइट पर गया देखने के लिए, वो झील, झील के पास में एक मंदिर था भगवान श्री राम का, छोटा मंदिर। वह मंदिर में जाता है, लोग अर्चना आराधना कर रहे हैं, उनको पूछते हैं ये कौन है, धनुष बाण लेकर के क्या हाथ में क्या है, तो लोग समझाते हैं धनुष बाण है,
हमारे भारतीय संस्कृति में पहले इसको इस्तेमाल किया जाता। अच्छा, ये बीच में कौन है? ये राम है। ये पास में कौन है? उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। और ये देवी कौन है? ये सीता है। और ये बंदर कौन है? ये हनुमान है। पूरा परिचय ले लिया। फिर बाहर उसने देखा कि बहुत सारे पत्थर, रेत वगैरह रखी हुई है। उसने पूछा, यह सब किसके लिए है? तो बोले, हम भगवान राम के लिए एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या वही है, पैसे की शॉर्टेज है। तो वो ब्रिटिश अफसर बोला, मंदिर बना के क्या होगा? तो उन्होंने बोला, ऐसा मत बोलिए, ये बहुत सिद्ध विग्रह है, इनके पास आप जो अर्चना मांगेंगे वह पूर्ण हो जाएगी। अभी ब्रिटिश अफसर को लगा कि ये मंदिर वंदिर बनेगा तो यहाँ डैम कैसे बनेगा, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पानी को छोड़ेंगे तो समस्या होगी, तो ये मंदिर को यहाँ से हटाना चाहता था। तो उसने बोला, ठीक है, उसने मन ही मन सोचा कि हम ऐसा कुछ करें कि ये लोग भी यहाँ से हट जाएं और हमारा काम भी सद जाए। तो उसने बोला कि यदि आपके भगवान में शक्ति है तो हम अभी बांध बना रहे हैं, ये बांध टूटना नहीं चाहिए, और अगर ये बांध नहीं टूटा तो हम मंदिर बना देंगे, और बांध टूट गया तो आपका मंदिर यहाँ से हटाना पड़ेगा, ऐसे ही तोड़ तोड़ के मंदिर को हटा देंगे। तो उसी प्रकार से जब ये शर्त रखी, वो अफसर मन में सोच रहा था ये मूर्तियाँ क्या बचाएंगी, बांध बना। बांध बनने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। अब रात में इतना भयंकर बवंडर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये थोड़ा बोल सकते हैं, इतना मूसलाधार बारिश हो रही थी कि उसके अंग्रेजी कलेक्टर के नौकरों ने उसको उठाया कि महाराज आज आ गया अवसर आपका, आज जाइए, बांध टूटेगा, मंदिर वहां से हटा देना। तो ये कलेक्टर दौड़ पड़ा छाता लेकर के देखने के लिए। दूर से देखा दो लड़के वहां पर घूम रहे हैं। ये ब्रिटिश अफसर जोर से चिल्लाए, वहां से हट जाओ, बांध टूटने वाला है। वो तो वहां से हट ही नहीं रहे थे। ये सत्ययुग की कहानी नहीं बता रहा हूं, 1882 की कहानी बता रहा हूं। पास में जाके जब उसमें ब्रिटिश अफसर ने देखा, स्वयं राम और लक्ष्मण उस बांध की सुरक्षा कर रहे थे, वहीं बेहोश होके गिर गया। सुबह गांव वाले आए, उनको लगा ये तो चले, पास में जाके देखा जिंदा है, थोड़ा पानी वानी छिटका, बोला मैंने देखा। किसको देखा? आपके भगवान राम और लक्ष्मण को देखा, उन्होंने ये बांध की रक्षा की है। मैंने सोचा था कि मैं उनको छल के उनका मंदिर हटा दूंगा, लेकिन उन्होंने बांध को रोक करके मुझे विवश कर दिया है कि मैं उनका मंदिर बनाऊंगा। आज भी पौंडिचेरी मद्रास के बीच में भगवान राम का भव्य मंदिर है, जो उस ब्रिटिश अफसर ने 1882 में बनाया था। तो उस प्रकार लोग आते हैं भगवान को छलने के लिए, लेकिन खुद छले हो जाते हैं। कई लोग इस काम में आते हैं अलग अलग अवसर प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे पवित्र हो जाते हैं। यह कृष्ण का विशेष लक्षण है। कृष्ण पवित्र है और उनके संपर्क में जो आता है वह पवित्र हो जाता है। लेकिन अब संकट है, ये पवित्र कृष्ण को ब्रजवासियों ने, विशेषतः उनके गोप बालक मित्रों ने तिरस्कार करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अभी बहुत गंभीर विषय था। ये जो वत्सासुर आया था, कृष्ण ने इसकी दो टांग पकड़ के हवा में हिला के इसका वध कर दिया। सारे गोप बालकों ने कृष्ण को बोला, अब हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलोगे? आपने गोहत्या की। कृष्ण बोले, राक्षस था वो, बोले हमको नहीं मालूम कोई राक्षस वाक्षस, आपने बछड़े को मारा, अब आपके साथ हम नहीं खेलेंगे। कृष्ण बोला, बड़ा गंभीर विषय हो गया, क्या करना पड़ेगा? बोले, जाओ गंगा जी में नहा के आओ। कृष्ण बोले, यहाँ से गंगा बहुत दूर है और अभी तत्काल भी नहीं मिलेगा, कहाँ से जाएंगे? बोले, नहीं, जब तक गंगा में नहा के नहीं आओगे तब तक हम आपको साथ में खिलाएंगे नहीं। इसी बीच नंद बाबा और यशोदा ने भी एक कहानी सुनी थी। उन्होंने सुना था किसी ब्राह्मण से कि एक बार गरुड़ सर्प को ले जा रहा था, वह सर्प गंगा में स्पर्श करता है और मुक्त होकर के धाम भगवत धाम चला जाता है। तो नंद बाबा यशोदा की भी बड़ी इच्छा थी कि हम गंगा में नहाने जाएं। अच्छा, दूसरी तरफ जब कृष्ण वन में खेलते तो कभी मेंढकों की आवाज़ करते, कभी मयूर बन के नृत्य करते,
और कभी जब बछड़ों को देखते कि वह झुक के मुख से पानी पी रहे हैं, तो कृष्ण भी अपने दोनों हाथ पीछे रख के झुक के मुंह से ही पानी पीते थे यमुना से। तो इतना सुंदर झांकी देख के गंगा को बोले, गंगा यमुना को बोले कि हमने क्या पाप किया है, हमारे ऊपर से राम जी नाव में बैठ के निकल गए और यहाँ कृष्ण अपना मुख लगा करके यमुना से पानी पी रहे हैं, तो हमको भी भगवान की लीला में पार्ट लेना है। तो सारे कारण कृष्ण के मन में घूम रहे थे, तो कृष्ण ने अपने मानस से, मन से गंगा को प्रकट किया, जिसको मानसी गंगा बोलते हैं। पहले नदी के रूप में थी, अभी ये ब्रजमंडल का सबसे बड़ा कुंड है, वहाँ पर कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा को नहलाया, स्वयं नहाए और उसके बाद गोपालकों ने उनको साथ में खेलने की इजाज़त दी। अब इतने बड़े बड़े काम करते थे दिन में, लेकिन रात में तो बच्चा बच्चा ही बन जाता है। रात में सोने के लिए माता और पिता की मदद लगती है, बच्चे अपने आप नहीं सोते हैं, बच्चे बोलते हैं हमको सुला दो। तो एक दिन कृष्ण की इच्छा हुई कि हमको सोना है, माता यशोदा के पास नहीं सोएंगे, नंद बाबा के पास सोएंगे। तो नंद बाबा के पास जाकर के लेट गए। नंद बाबा तो बड़े खुश हो गए, आज मेरा लाला मेरे पास आया है, है ना। कभी बच्चे पिता के पास वैसे तो जाते नहीं हैं, मैं मेरे जीजाजी को देखता हूँ, उनकी बेटी उनके पास जाती नहीं है, तो कभी गलती से हाथ पकड़ लेती तो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो नंद बाबा भी ऐसे बड़े खुश हो गए कि कृष्ण आज मेरे पास सोने के लिए आया है। बड़ा सुंदर से दो छोटा एक तकिया लगाते हैं, एक अपना बड़ा तकिया लगाते हैं, नंद बाबा सो जाते हैं, कृष्ण भी लेट जाते हैं। अब नंद बाबा आँख बंद करते हैं, कृष्ण उनकी छाती पर बैठ जाते हैं। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे सुनाते हैं कि बच्चे को, ये भी मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कहानी सुनाओ। अब कहानी कहाँ से सुनाओ? नंद बाबा ने ध्रुव महाराज की कहानी सुनी, कृष्ण बोले सुनी है। बोले प्रहलाद महाराज की सुनाई सुनी है, अलग अलग अवतार में कहानी सुनाने लगे, सब सुनी है। नंद बाबा बोले माता यशोदा नई नई कहानी कैसे लेके आती है डेली, कौन सी कहानी सुनाऊं तुझको? कृष्ण छाती से उतरे भगवान और करवट लेके लेट गए, और आपको कुछ नहीं आता है। नंद बाबा बड़ी टेंशन में, तो बहुत खतरनाक बालक है, इसको सुनाऊं कैसे? थोड़ी देर बाद फिर करवट पलट के कृष्ण बोलते हैं भूख लगी है। नंद बाबा बोलते हैं रात में, इतनी रात में अंधेरे में भी क्या लेके आऊं तेरे को? बोले दूध पीना है गरम गरम। नंद बाबा रसोई में कभी गए ही नहीं, अभी चाहे दूध कहाँ से लेके आए। ऐसे जैसे दूध ढूंढा, रसोई में गए, चूल्हा जलाया, दूध गर्म किया, बेचारे उठा रहे, अनुभव तो था नहीं, उंगलियां जल गई। बड़े यत्न करके ग्लास में दूध लेकर के आए, कृष्ण ने टेस्ट किया, इतना गंदा दूध, ना इसमें मेवा है ना मिश्री है, ऐसे दूध बनाते हैं क्या? दोबारा बना के लेके आओ। नंद बाबा बेचारे दोबारा गए, दोबारा उसे मेवा मिश्री डाली, फिर से उबाला, फिर से दूध लेकर के आए, फिर से पिलाया, फिर से केसर डालना क्यों भूल गए? नंद बाबा बोले देख भाई, तू तेरी माँ के पास जा, मेरे से नहीं जलेगा तू। नंद बाबा हाथ पकड़ के कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ के आए। अब यशोदा उनको अपने पास लिटा के थपथपी दे के कहानी सुनाने लगी। लेकिन एक समस्या थी, यशोदा जब भी कहानी सुनाती कृष्ण कब सो जाता पता ही नहीं पड़ता था। तो यशोदा ने बोला आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं कहानी सुनाऊंगी और तुमको हूँ हूँ करना है ना, बोलते ना हूँ ऐसे करना है। तो ठीक है, कृष्ण भी तैयार हो गए, कैसे करना है? हूँ ऐसे करना है। तो माता यशोदा ने कहानी सुनाई, इति राम बालक बहुवा। कृष्ण क्या किया? फिर आगे सुनाया, तस्य अबला सीते थी, एक राम थे उनकी पत्नी थी सीता। कृष्ण क्या किया? तस्य पिता से वचने पंचवटी वने निवसतस। कृष्ण क्या किया? तस्य रावण हरात। कृष्ण क्या किया? हूं नहीं किया, कृष्ण खड़े हुए, सौमित्रे धनु, मेरा धनु लेके आओ, सौमित्र लक्ष्मण कहाँ है? सीता को रावण ले रहा हूँ, लंका में चढ़ाई कर देंगे, हम रावण को मार देंगे। यशोदा ने तेरे को आगे कहानी कहाँ से मालूम? कृष्ण वाले मुश्किल पड़ गए, करवट लेके सो गए। तो इस प्रकार सुंदर मधुर लीलाएं कृष्ण करते हैं, जिनका सब कुछ मधुर है। आइए भगवान को थोड़ा सा अधरम मधुरम भजन से स्मरण करते हैं।
वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम में आगे अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व निकला है तो हर भाई
अपेक्षा करता है कि उसकी बहन उसको राखी बांधेगी। जो कोई भाई बहन साथ में नहीं रहते तो उनको शायद कुरियर में राखी मिलती है। तो एक भाई ऐसा था जिसको कुरियर नहीं मिला, कौन था? बकासुर। क्योंकि उसकी बहन बकी पूतना का वध कृष्ण ने कर दिया। तो रावण जाकर के बकासुर को उठाता है कि बकासुर तुम्हारी बहन को मार दिया और तुम यहीं बैठे हो, जाओ हमारे शत्रु को मार करके आओ। तो जब कृष्ण अपने गोपालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे तो गोपालकों ने कृष्ण को देखा, देखो देखो बहुत बड़ा बगुला एकदम स्फटिक सफेद चमक रहा है। कृष्ण देखा यह बगुला नहीं, यह तो बकासुर है। अब इतने शांत बगुला, बगुला जिन्होंने देखा है एकदम शांत खड़ा रहेगा जैसे मानो समाधि में हो, और जैसे ही मछली आएगी वैसे ही झपट्टा मार लेगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं यह बगुला उन साधुओं के समान है, उन योगियों के समान है, उन गुरुओं के समान है जो कृष्ण भक्त नहीं है। वह बाहर से तो बड़ा दिखाएंगे कि वो बड़े साधु हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े समाधि में हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी इंद्र तृप्ति की वासनाएं हमेशा चलती रहती हैं। जैसे एक बार एक माता ने एक साधु को घर पे प्रसाद के लिए बुलाया। उसको लगा अरे बड़े पहुँचे हुए संत हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, इनकी सेवा हमको करनी चाहिए। तो बहुत सारे आइटम बनाए, 3-4 प्रकार की सब्जी, दाल चावल रोटी मालपुआ लड्डू बहुत सारे आइटम बनाए, कढ़ी पकौड़ा बहुत कुछ बनाए। अब इसी बीच में एक और आइटम बनाया, पापड़। सब कुछ थाली में परोस दिया, पापड़ थोड़ा साइड में रखा रहेगा, होता है ना कभी कभी ज़्यादा आइटम में एक आइटम छूट जाता है। अब वो साधु खा रहा है, प्लेट में 15 आइटम है लेकिन नज़र कहाँ है? वो पापड़ के ऊपर। अब बोले भी तो कैसे बोले, इज्जत का सवाल है। सोच रहा था मन ही मन में पापड़ पापड़ पापड़, आ गया आइडिया। बोला माता एक बात तुमको बताना भूल गया। क्या हुआ? बोला आज मुझे भगवान ने बचा लिया नहीं तो तुम्हारे घर पे आ ही नहीं पाता। बोले कैसे? बोले रास्ते में एक लंबा सांप मिला। अच्छा कितना लंबा? बोले यहाँ से लेकर वो पापड़ तक इतना लंबा सांप मिला। बोले अरे हाँ पापड़ तो देना मैं भूल ही गई थी। तो बाहर से लगता है साधु लेकिन भीतर से क्या है? पापड़ चिंता है। ऐसे ही कई लोग मंदिर में जब आते हैं प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता, फिर चप्पल को देखते हैं पिता त्वमेव, तो कौन है माता पिता इनकी? चप्पल ही। और जब तक लड्डू वड्डू कुछ प्रसाद लेते हैं तब तक उनकी चप्पल को ले जाता है। तो ध्यान होता है कहाँ? कहीं और, कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं होता है। तो ऐसा बगुला वहां पर समाधि जैसे कोई ऋषि मुनि खड़ा हो ऐसे ही खड़ा था, लेकिन उसका उद्देश्य था कृष्ण को मारना। अब कृष्ण जैसे ही उसके पास गए वैसे ही अपनी चोंचों को बड़ा करता है और कृष्ण को निगल लेता है। अब कल्पना कीजिए जिन गोप कुमारों के लिए कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण का विरह एक क्षण के लिए भी जो स्वीकार नहीं कर सकते, उनकी आंखों के सामने कृष्ण बगुला को खा गया। हम लोग कई बार गोपियों का संघर्ष देखते हैं, कई बार जब ब्रजलीला सुनते भी हैं तो सुनते हैं कैसे गोपियां रो रही थी, नंद बाबा रो रहे थे, यशोदा रो रही थी। लेकिन उन गोप बालकों के बारे में भी सोचिए जो कृष्ण के साथ पूरा दिन खेलते थे, उनकी क्या हालत हुई होगी। हम लोग जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो एक स्थान आता है पुछरी का लोटा, वहाँ पर पुछरी के लोटा बाबा बैठे हुए हैं। लोगों को लगता है वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी नहीं हैं, वो कृष्ण के सखा हैं। और जिस दिन अक्रूर कृष्ण को लेने के लिए आया था उस दिन उन्होंने यह संकल्प किया था कि हम अपने हाथ से बना करके कृष्ण को भोजन खिलाएंगे। तो वो वहाँ पर कुकिंग कर रहे थे और जब पूरा भोग तैयार था उसी समय किसी ने बोला कि कृष्ण को तो अक्रूर ले गया। वह गोप रोने लगा चिल्लाने लगा हे कृष्ण हे गोविंद गोपाल कान्हा वापस आ जाओ, लौट आओ लौट आओ लौट आओ, इसलिए उनका नाम पड़ गया लोटा बाबा। इस प्रकार से
ब्रजवासियों ने उनको थोड़ा सा ढांढस बंधाया, नहीं कृष्ण बोल के गए 2-3 दिन में आ जाएंगे, कृष्ण इसी तरह तो बोल के गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तो आज तक उस मंदिर में अन्न का भोग ही नहीं लगता है, फास्टिंग कर रहे हैं। कोई फल फ्रूट चढ़ाता है तो चढ़ाता है, लेकिन कोई अन्न का भोग नहीं लगता है। तो इतना प्रेम गोप बालक कृष्ण से करते थे, उनके सामने बगुला कृष्ण को निगल गया। अब कृष्ण भी अंदर जाके बोले कि हमने गीता में सुनाया है, क्या सुनाया है, 8 शक्तियां हमारी हैं, भूमि अप अनलो वायु, उनमें से एक शक्ति है आग। तो कृष्ण बोला थोड़ा हम हीटर बन जाते हैं। तो कृष्ण अपना टेम्परेचर बढ़ाया, ये बगुला सोचने लगा ये गरम गरम क्या लग रहा है, अटकने लगा, जलने लगा। तो कृष्ण ने, बगुले ने तुरंत उगला कृष्ण को बाहर और कृष्ण से युद्ध करने लगा, चोंचों से प्रहार करने लगा। कृष्ण इधर मटकते उधर मटकते, थोड़ा खेलने भी लगे उसके साथ, और फिर उसकी दोनों चोंचों को पकड़ के कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो उस प्रकार हमारे जीवन में जो मिथ्या साधु हैं, जो तथाकथित गुरु हैं, उनका वध भी होगा जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, हम यह नहीं बोलते कि हम सदगुरु हैं और बाकी सब मिथ्या गुरु हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, हम यह सिखाते हैं कि सच्चा गुरु कौन है और पाखंडी कौन है, चुनाव आपको करना है। तो कृष्ण कथा यही करती है, हमारे जीवन से असत साधुओं को निकाल करके सच्चे साधु की पहचान बताती है। सच्चा साधु कौन है, भागवत में बताया है, तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। साधु तो अपने गुणों से साधु बनता है। जिस प्रकार वो बगुला सफेद रंग में चमक रहा था, ब्रजवासी सब आकर्षित हो गए थे, ऐसे ही कई साधु अलग अलग फैशन में रहते हैं। किसी के कपड़े चमकेंगे, किसी की दाढ़ी लंबी, किसी के बाल घुंघराले, अलग अलग प्रकार से आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चा साधु वह है जिसके अंदर साधु के गुण हो। साधु साधुत्व से साधु बनता है। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे, पूरा गांव उनकी कथा सुनने के लिए जाता था, लेकिन उनकी पत्नी नहीं जा पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी को उनके लिए भोजन तैयार करना पड़ता था। तो गांव वाले बड़ा बोलते, कभी एक दिन तो सुनने चलिए। अब बेचारी ने जल्दी जल्दी उस दिन भोजन तैयार करके आई, कथा में बैठी। अब ये साधु पंडित जी लेक्चर में बता रहे थे कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और तीनों गुणों में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। और गुणों के बारे में बताने के इसी संदर्भ में बेगुण के ऊपर आ गए कि बेगुण भी क्या सब्जी है, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है, जो बेगुण खाता है वो आलसी बन जाता है, और उसी के ऊपर 10-15 मिनट बोल दिए। अब ये साधु जी घर गए, पत्नी को चिंता हुई, घर में बेगुण की सब्जी बनाई थी, अभी क्या परोसूं क्या परोसूं, तो रोटी के साथ अचार दे दिए। तो ये पंडित बड़ा नाराज हो गया, बोले सब्जी क्यों नहीं दी, बोले सब्जी बैगन क्यों, तो दो में क्या समस्या है, बोले आपके लेक्चर में तो मैं सुन के आई बैगन नहीं खाना चाहिए था, बोले नहीं वो प्रवचन के बैगन थे, ये थाली के बैगन है। तो ऐसे पाखंडी साधुओं से मुक्ति कराने के लिए तो प्रभुपाद आए हैं कि जो जिनकी कथनी करनी अलग अलग है, तो उनकी कथा से क्या परिवर्तन होगा। मैं सुबह कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था, हम इस्कॉन में आने के पहले बहुत कथा सुनते थे, और वो लोग भी श्रीधर स्वामी की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्यावती, इनकी टीकाएं बोलते हैं। वह भी बताते हैं कैसे जीव गोस्वामी ने बताया कि कृष्ण नंद के घर में भी हुए थे, वसुदेव के घर में भी हुए थे, बाद में 2 कृष्ण 1 हो गए थे, सब कथा बताते हैं वो लोग। ना उनके जीवन में परिवर्तन, ना सुनने वाले के जीवन में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक सदगुरु की कृपा नहीं है। जब तक ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो बल्ब कैसे जलेगा। यह प्रकाश तभी आता है जब परंपरा की कृपा हो। तो उस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर लीला के माध्यम से समझाया कि कैसे असत संग से दूर रहकर सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। उसके बाद कृष्ण ने एक और इन्हीं के परिवार से भेजा, अघासुर। कृष्ण, गोप कुमार, सभी लोग खेल रहे थे, और एक दिन सारे गोप देखते हैं कि एक बड़ा सा नया कॉरिडोर बना है वृंदावन में, जिस पर रेड कारपेट डला हुआ है।
बोला ये तो कभी स्थान देखा नहीं, पहली बार देख रहे हम। और हंसते खेलते सभी उसके मुख में प्रवेश करने लगे। अब कृष्ण सोचते हैं कि यह तो अघासुर है, इसके रोकना क्या भी प्रयास किया, लेकिन वो तो हंसते हंसते चले गए। क्यों? उनको पूर्ण विश्वास है कृष्ण हमारी सुरक्षा करेंगे। जब ब्रज में, आगे कथा आएगी, जब ब्रज में आग लगी थी, दावानल लगी थी, भगवान ने कालीय दहन किया, उसके बाद रात्रि में वहीं ब्रजवासी विश्राम करते हैं और वहां जंगल में आग लग गई, तो सारे ब्रजवासी बड़े डर गए, चारों तरफ आग लगी हुई है और कृष्ण को क्या बोलते हैं, सब आंखें बंद कर लो, यहाँ एक छिपकली थोड़ी निकल जाए और कोई बोले कि आंखें बंद कर लो, नहीं होगी आंखें बंद। और यहाँ चारों तरफ से आग लगी हुई है, कृष्ण बोलते हैं आंखें बंद कर लो, सारे लोगों ने आंखें बंद कर ली और कृष्ण उस आग को पी गए। यह अटूट विश्वास भक्ति में हमको आगे बढ़ाता है। तो कृष्ण उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास है कृष्ण के ऊपर, कृष्ण तो बचा ही लेंगे। तो उस प्रकार से सारे गोप कुमार अघासुर के मुख में चले गए, लेकिन अघासुर तो बड़ा सर्प था, उसका मुख खुला हुआ था, उसने मुख बंद नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा तो थी कृष्ण की, कृष्ण जब आएंगे तभी हम उनको खा लेंगे। और अघा का मतलब है पाप, वह साक्षात पाप के रूप में वहां पर विद्यमान था। अब कृष्ण सोचे हमारे गोप कुमार गए, बछड़े गए, हम अकेले क्या करें, तो कृष्ण भी उनके पीछे पीछे अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और अघासुर ने मुख बंद कर लिया। अब अंदर सारे बालक चिल्लाने लगे, चीखने लगे, गायें चित्कार करने लगी, भयंकर दुर्गंध अघासुर के पेट से आ रही थी। देखिए, पाप कभी भी किसी व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं दे सकता, कभी भी सुख नहीं दे सकता। कितने ही कोई प्रयास करे, लोगों को लूटे, चोरी करे, धोखा दे, वह अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता, इसके अनेक अनेक प्रमाण हैं। और ऐसे ऐसे भिक्षुक, सुदामा जैसे भिक्षुक, उनके पास एक जोड़ी कपड़े थे, उसमें भी कितने छेद थे उनको मालूम नहीं था। पति पत्नी दोनों नदी में स्नान करते और धूप में खड़े हो जाते कि धूप से ही सूख जाएंगे, कि दूसरा कपड़ा है ही नहीं, और फिर अपना काम करते। ऐसे ऐसे भिक्षुकों की कथा भागवत में है जो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, लेकिन पाप के अंधकार में व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो उस प्रकार से अघासुर ने जब सारे बालकों को निगल लिया, कृष्ण को भी निगल लिया, तो कृष्ण ने फिर से अपने शरीर का विस्तार किया। ये कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ विस्तार करते हैं, जैसे मत्स्य अवतार में भी देखते हैं, इतनी छोटी सी मछली राजा के पास जाती है, हमारे स्वामी को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, किसी को भी प्रेम आ जाएगा। वो राजा एक पात्र में मछली को लेकर के आ गए, पात्र बराबर हो, फिर बड़े पात्र में रखा उसके बराबर हो गई, नदी में रखा नदी बराबर, बड़े बड़े समुद्र में रखा समुद्र बराबर। कृष्ण जहाँ जाते हैं विस्तार। आप किसी को प्रचार करने जाएंगे, बोले एक माला करना है बस, और क्या करना है, एक माला, 7 मिनट लगते हैं बस। वो 7 मिनट खिंच के कैसे भक्ति में 24 घंटे हो जाते हैं कि दिन छोटा पड़ने लगता है। कृष्ण विस्तार करते हैं। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत प्रभुपाद ने कहा कि 26 सेकंड एवेन्यू जैसी छोटी सी दुकान है, अगर इस केंद्र का, प्रभु जी गए हैं, इस केंद्र का अपन डिवाइड करें तो मुझे नहीं लगता 1/16 भाग भी नहीं होगा। इतने छोटे केंद्र से शुरुआत, और आज जन्माष्टमी पे अलग अलग देशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बधाई दे रहे हैं इस कौम को, कितनी बड़ी बात है। कृष्ण जहाँ जाते हैं विस्तार करते हैं। अगर हमारे प्रचार में विस्तार नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण उपस्थित नहीं है। हम जितने कृष्ण भावना भावित होंगे, भगवान अपना विस्तार जरूर करेंगे। कृष्ण ने उस प्रकार विस्तार किया और अघासुर के शरीर को फाड़ते हुए बाहर निकल गए, अघासुर के प्राण चले गए, और ब्रह्म ज्योति जैसी उसकी एक आत्मा की ज्योति निकल के कृष्ण में समाहित हो गई। सारे गोप बालक बाहर निकले, बड़े आनंद से नाचने लगे, कूदने लगे, महोत्सव मनाने लगे, और सब आपस में चर्चा करने लगे कि हम जा करके यह कथा ब्रज में हर व्यक्ति को सुनाएंगे कि कृष्ण ने कितने बड़े राक्षस का वध कर दिया। लेकिन वे 1 साल तक सुना ही नहीं पाए। क्यों नहीं सुना पाए, ये हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे।
ईश्वर गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर मनमोहक कथा हो रही है और आप सब लोग रेगुलर सुन रहे हैं। अमृत का रसमान हो रहा है और ये जब सब आप समय से आ रहे हैं तो बारिश की वजह थोड़ा व्यवधान भी हो रहा है और कल सुबह प्रार्थना रहेगी 7:30 बजे और कल शाम को इसका लास्ट सेशन रहेगा। कबूल का लाभ वापिस जा रहे हैं कल शाम को 7 बजे इसका आखिरी सेशन रहेगा इस कथा का। इसके बाद परसों जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण किशोर प्रभु की जय। वो प्रेमानंद देव सबको आनंद।